सो मैं आ गया हूँ आप लोग के लिए एक और इंटरेस्टिंग वर्सेस बैटल लेके। इस वीडियो के लिए मुझे बहुत समय से रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना फाइनली हम लोग बना ही लेते हैं इस टॉपिक पे। सो या आज की वर्सेस बैटल में हमारे पास दो बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स हैं। सो जो पहला कैरेक्टर है वो है द गॉड ऑफ वॉर क्रेटोस। एंड इस बार उसके सामने कोई गॉड नहीं बल्कि हेल का एक क्रिएचर स्पॉन है। सो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन जीतेगा क्रेटोस और स्पॉन की फाइट में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन। सो पहले अगर हम लोग बात करें क्रेटोस की, तो क्रेटोस ने तो सबसे बड़ी बात सारे ग्रीक गॉड्स को जान से मार दिया था, जिसमें आते हैं ज्यूस, पोसाइडन, एरीज, हर्मीज, हरक्यूलीज, हेड्स और भी कई सारे गॉड्स और वॉरियर्स। क्रेटोस ने इन सबको बहुत ही गंदी मौत दी, और जब वो एक एक करके सारे गॉड्स को मार रहा था तब उनकी पावर्स भी एब्जॉर्ब कर रहा था, जिसके कारण वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन गया था। क्रेटोस ने पूरा ओलंपस तबाह कर दिया था। इन न्यू गेम में हमें ये दिखाया गया कि क्रेटोस एस्गार्ड पे पहुंच गया है और वो वहां के भी गॉड्स को मारने लगा। तो क्रेटोस के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, एजिलिटी एंड सुपर ह्यूमन हीलिंग। क्रेटोस एक इमॉर्टल बीइंग है। क्रेटोस दो बार हेल से वापस भी आ चुका है। क्रेटोस को मारने के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीइंग और बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन लगेगा, तब जाके क्रेटोस कहीं हेल में जाएगा और क्या पता फिर से वापस आ जाए। इसके अलावा क्रेटोस के पास बहुत सारे टाइप के वेपन्स भी हैं, जैसे कि ब्लेड ऑफ केओस, ब्लेड ऑफ अथीना, ब्लेड ऑफ एक्साइल, लेवाइथन मैक्स, लेकिन जो उसका सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन है वो है ब्लेड ऑफ ओलंपस, जिसको ज्यूस ने बनाया था टाइटंस को हराने के लिए। एंड उसी वेपन से क्रेटोस ने ज्यूस का खात्मा किया था। एंड ज्यूस सुप्रीम गॉड है ग्रीक माइथोलॉजी में, तो आप सोच सकते हैं कि ब्लेड ऑफ ओलंपस कितना ज्यादा पावरफुल वेपन होगा। इसके अलावा क्रेटोस के ऊपर फायर का बिल्कुल भी असर नहीं होता है और ना ही कोल्ड टेम्परेचर का। क्रेटोस के सारे वेपन की अपनी अपनी एक खासियत है। क्रेटोस के पास स्पार्टन रेज नाम की एबिलिटी भी है, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है, लेकिन जो क्रेटोस की सबसे बड़ी ताकत है वो है उसका विल। क्रेटोस कभी भी हार नहीं मानता है, फिर चाहे उसका सामने वाला ओपोनेंट कितना भी ज्यादा पावरफुल हो। भले ही क्रेटोस के जीतने का चांस बिल्कुल भी ना हो, लेकिन तभी भी क्रेटोस हार नहीं मानता है। ये उसकी विल ही है जिसके कारण क्रेटोस ने सारे ग्रीक गॉड्स को हराया था। क्रेटोस ने तो अपना फेट तक चेंज कर दिया था, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्रेटोस कितना ज्यादा पावरफुल बीइंग है। एंड मुझे तो नहीं लगता कि मुझे क्रेटोस के बारे में और बताने की जरूरत है, क्योंकि मैंने क्रेटोस के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। एंड मैंने एक वीडियो में क्रेटोस की सारी पावर्स एंड एबिलिटीज एकदम अच्छे और डिटेल में एक्सप्लेन की है, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। सो अब हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर यानी कि स्पॉन पे। सो स्पॉन एक हेल का क्रिएचर है, जिसके कारण उसके पास भी है बहुत सारी पावर्स, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, सुपर हीलिंग, सुपर एजिलिटी, सुपर एंड्योरेंस और भी कई सारे फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं स्पॉन के पास। उसके पास लेविटेशन यानी कि उड़ने की भी पावर है। स्पॉन बेसिकली जनरली हेल से बिलोंग करता है। उसके पास हेल का डार्क फोर्स का भी एडवांटेज है, यानी कि वो अपने हेल के डार्क फोर्स की मदद से एक ऐसा फिनोमिना छोड़ सकता है, जिसके कारण वो हेल के जितने भी क्रिएचर्स और जितने भी बीइंग्स होते हैं उन सबको कमांड कर सकता है और अपना कोई भी काम करवा सकता है। उन सारे क्रिएचर्स के ऊपर स्पॉन का पूरा कंट्रोल आ जाता है। उसके पास एलिमेंट्स और एनर्जीज को मैनिपुलेट करने की भी पावर है, यानी कि वो किसी भी टाइप के एलिमेंट्स और किसी भी टाइप के एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है। एंड वो ट्रीज एंड प्लांट्स को भी मैनिपुलेट कर सकता है, यानी कि पेड़ों को अपने इशारों पे नजर सकता है। उसके पास हेल की एक अजीब सी मिस्टिकल पावर है, जिसको कहा जाता है द नेक्रोप्लाज्मिक मैजिक। अब ये एक तरह का डार्क मैजिक है, जिसके साथ स्पॉन को बहुत सारी पावर्स एंड एबिलिटीज मिल जाती है अलग तरह की, एंड वो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स परफॉर्म कर सकता है। इस पावर के साथ उसके पास कई तरह की मैजिकल पावर्स भी आ जाती है, यानी कि वो बहुत सारे टाइप के मिस्टिक आर्ट्स को भी परफॉर्म कर सकता है। वो इनविजिबल भी हो सकता है, किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के आर पार जा सकता है, सामने वाले बंदे के माइंड को कंट्रोल भी कर सकता है, किसी भी जगह से टेलीपोर्ट भी हो सकता है, यानी कि उसके पास टेलीपोर्टेशन की भी एबिलिटी है। वो अपने आप को किसी भी टाइप के वूंड से हील भी कर सकता है और अपने किसी भी ऑर्गन को रीजनरेट भी कर सकता है, हालांकि उसको किसी भी ऑर्गन की जरूरत पड़ती नहीं है क्योंकि वो एक इमॉर्टल बीइंग है। वो नेक्रोप्लाज्मिक ब्लास्ट भी कर सकता है, एंड वो ब्लास्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। यहाँ खत्म नहीं होता, उसके पास जो कॉस्ट्यूम है वो जिंदा है। उसका कॉस्ट्यूम बेसिकली एक तरीके का सिम्बियोट है, जो कि उसको बहुत सारी पावर्स देता है। एंड ये जो उसका सूट है, ये उसको शेप शिफ्टिंग की भी एबिलिटी प्रोवाइड कर देता है। एंड इस सूट के साथ स्पॉन अपनी अपीयरेंस भी चेंज कर सकता है। एंड जो उसका सूट है उसका नाम है K7 लीथ।
उसका केप भी जिंदा है एंड वो जो उसका केप है वो एकदम डॉक्टर स्ट्रेंज के केप की तरह है, यानी कि वो स्पॉन को कई सारे अटैक्स से बचाता है, वो बुलेट्स को भी रोक सकता है और किसी भी टाइप के ह्यूमन मेड वेपन्स को भी सहने की ताकत है उसके केप में। एंड जब स्पॉन अपनी सारी पावर्स को एकदम एक्सटेंड करके अपनी लिमिट तक ले जाता है तब उसके पास सोल मैनिपुलेशन की भी पावर आ जाती है, यानी कि किसी की भी सोल उसके अंदर से निकाल लेना। एंड उसके पास रिजरेक्शन की भी पावर आ जाती है, यानी कि वो अपने आप को मरने के बाद भी जिंदा कर सकता है एंड किसी भी डेड एनिमल या फिर डेड बींग को जिंदा कर सकता है। अब क्योंकि स्पॉन एक बहुत ही ज्यादा ब्रेव वॉरियर था जब वो ह्यूमन था, उसका नाम एल सिमंस था, तो इसीलिए स्पॉन भी एक मास्टर इन हैंड टू हैंड कॉम्बैट। उसको कई सारे मार्शल आर्टिक टेक्निक्स आती हैं, वो कई सारे टाइप के फाइटिंग स्टाइल्स में मास्टर है। सो या ये थी स्पॉन की सारी पावर्स एंड एबिलिटीज। सो अब बात यहाँ पे आती है कि क्या स्पॉन में इतना दम है कि वो क्रेटोस जैसे बींग को हरा दे। तो अब आप लोग मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। बेशक क्रेटोस ने कई सारे पावरफुल बींग्स को हराया, जैसे कि ज्यूस, जेरिस, पोसाइडन, हर्मीज एंड हेड्स, एंड उसने पूरा ओलंपस तबाह कर दिया था। न्यू गेम में भी हमने ये देखा था कि उसने बेल्डोर को हरा दिया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, स्पॉन ने हेल के कई सारे पावरफुल बींग्स को हराया है, इंक्लूडिंग सैटर्न, जो कि हेल का सबसे ज्यादा पावरफुल बींग माना जाता है। यहाँ पे क्रेटोस स्पॉन को बहुत ज्यादा हार्म करेगा एंड क्रेटोस के पास बहुत सारे टाइप के पावरफुल वेपन्स हैं, जैसे कि ब्लेड ऑफ ओलंपस। लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि स्पॉन ब्लेड ऑफ ओलंपस से मर पाएगा, क्योंकि स्पॉन पहले से ही एक डेड बीइंग है, वो मरा हुआ क्रिएचर है, उसको तो मारना ही इम्पॉसिबल है। स्पॉन के अंदर कोई सोल ही नहीं है। यहाँ पे क्रेटोस भी एक इमॉर्टल बीइंग है, लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि जब क्रेटोस दोनों बार हेल में गया था तब वो हमेशा किसी न किसी की मदद से बाहर आया था, जैसे कि ग्रेव डिगर की मदद से और गाया की हेल्प से। लेकिन यहाँ पे स्पॉन के लिए भी इजी नहीं होगा क्रेटोस को मार पाना। तो मुझे तो यही लगता है कि ये फाइट किसी के भी साइड में जा सकती है, हालांकि दोनों की फाइट हमेशा चलती ही चली जाएगी, लेकिन ये बैटल कभी ना कभी तो खत्म होगी। और जब खत्म होगी तब मुझे ये लगता है कि स्पॉन के जीतने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया स्पॉन ने सैडन को हरा दिया था एंड सैडन ज्यूस से बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन गाइस आप लोग हेट मत दीजिएगा, मुझे पता है आप लोग क्रेटोस के ही फैन हैं और मैं भी क्रेटोस का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बायस दो के आंसर दूं। मैंने कई सारी वर्सेस बैटल में क्रेटोस को जिताया है क्योंकि मुझे लगता है कि वहां पर क्रेटोस जीत सकता है, लेकिन इस बैटल में मुझे नहीं लग रहा है कि क्रेटोस जीत पाएगा स्पॉन से। सो आप किसी भी कैरेक्टर को हेट मत दीजिएगा एंड ये तो सिर्फ मेरा ओपिनियन है, आप चाहे तो आप भी कमेंट्स में अपना ओपिनियन दे सकते हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।